नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्री यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पर आरपीएफ 2020 की न्यू वैकेंसी दोस्तों यहां पर किस महीने में स्टार्ट हो सकती है, इसके लिए दोस्तों आप सही लोग ले बहुत ही बड़ी मैं खबर लेकर आ चुका हूं। जी हां फ्रेंड्स, आपसे बता दें यहां पर कांस्टेबल प्लस एसआई के पदों पर कुल मिलाकर 11,000 पदों पर भर्ती जो है आने वाली है। इसमें दोस्तों आपसे बता दें आरपीएफ में 11,000 पदों पर भर्ती जल्द, पीयूष। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर पीयूष गोयल जी का बयान था कि इसमें आप लोगों की 11,000 पदों पर आरपीएफ में बहुत जल्दी भर्ती होने वाली है। इसके दोस्तों आवेदन किस महीने में स्टार्ट हो सकते हैं, ये जानकारी आप लोगों को आगे देने वाला हूं एक आर्टिकल के थ्रू। तो सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आप सभी को बता दें यहां पर ग्रेजुएशन पास और 10वीं पास जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये भर्ती आप लोगों की दोस्तों ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो सारी जानकारी आप लोग यहां पर देने वाले हैं, कितनी आपकी यहां पर एज लिमिट रखी जाएगी, इस बार इस नई भर्ती में दोस्तों यहां पर क्या चेंजेस होने वाले हैं, सारी जानकारी आप लोग यहां पर मिलने वाली है। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, सारी वीडियो की आपको जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सरकारी नौकरी का एक न्यूज़ आर्टिकल जो कि यहाँ पर 28 फरवरी 2020 तक का अपडेट किया हुआ है, और इसमें बताया गया है आपकी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई न्यू रिक्रूटमेंट 2020 अपकमिंग वैकेंसी। ठीक है, तो आपके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो सकते हैं इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। आप सभी लोगों को जैसा कि मालूम ही होगा कि इस बार जो है आरपीएफ में 50% जो पद रहेंगे वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, और बाकी के जो 50% रहेंगे वो इस बार मेल कैंडिडेट के लिए रखे जाएंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि आप सभी लोगों को जैसा कि मालूम है यहां पर पीयूष गोयल जी की ओर से यहां पर जुलाई 2019 में बताया गया था कि 9,000 पदों पर जो है भर्ती आने वाली है, लेकिन दोस्तों यहां पर अब जो है यहां पर भर्ती जो है काफी ज्यादा डिले हो चुकी है। तो ऐसे में आप लोग यहां पर जो पद है ये बढ़ चुके हैं, और लगभग आप लोगों के यहां पर 11,000 से अधिक पदों पर भर्ती आने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों को बता रहा था कि 11,000 पदों पर भर्ती आएगी, लेकिन अब जो है 11,000 से अधिक यहां पर पद रहने वाले हैं, क्योंकि भर्ती जो है डिले हो चुकी है। अब यहां पर हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पद रहेंगे, तो कांस्टेबल और एसआई इन दोनों के ही पद इसमें आप लोगों के रहने वाले हैं। तो 11,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती रहने वाली है, ऐसा यहां पर गुप्त सूत्रों के द्वारा जानकारी निकल के आ रही है। एज लिमिट की बात करें तो आप लोगों के यहां पर मिनिमम जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम आप लोगों की 25 वर्ष एज रखी जाएगी, और ये आपको यहां पर रहेगी कांस्टेबल पद के लिए। एसआई पद की कितनी रहेगी वो आप लोगों को आगे अभी वीडियो में पता चलने वाला है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप लोग यहां पर रिटर्न एग्जामिनेशन सबसे पहले करवाया जाता है, और पीएसटी पीटी उसके बाद में, और फिर आपका यहां पर डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट में आपका यहां पर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, कांस्टेबल पद यहाँ पर जो रखा जाएगा उसके लिए यहाँ पर आपको 10वीं पास कम से कम होना अनिवार्य है, और ग्रेजुएशन पद के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, जो एसआई पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। हो जाती है कभी कभी छोटी सी गलती। तो इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो आप देख लीजिए, एसआई पद के लिए यहाँ पर आपकी 20 से 25 वर्ष रखी जाएगी, ठीक है, एसआई पद के लिए एज लिमिट, और उसके बाद में आपकी 18 से 25 वर्ष रखी जाएगी कांस्टेबल पद के लिए। हालांकि आप लोगों के यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, कुछ ऐसे यहाँ पर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट जो हो गए उनके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और कब से काउंट की जाएगी एज, तो वो अभी आप लोगों को आगे बता देंगे हम। और जो क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता ही दिया है, यहाँ पर आप लोगों के जो पद रहेंगे तो 10,000 पद रहने वाले हैं कांस्टेबल के, और एसआई के रहेंगे 1,000। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, फिजिकल टेस्ट में हाइट जो रखी जाएगी मेल कैंडिडेट जो जनरल और ओबीसी के रहेंगे उनके लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और एससी एसटी जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी की फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर, और एससी एसटी की फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब चेस्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो मेल कैंडिडेट की यहाँ पर चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर मांगी जाएगी जनरल और ओबीसी की, और एससी एसटी के यहाँ पर मांगी जाएगी 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो लॉन्ग जंप 9 फीट की, हाई जंप 3 फीट की, और रनिंग जो है यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर की करवाई जाएगी 3:40 में। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग देख लो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है आप लोगों की मई के बाद में और जुलाई से पहले। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर अभी एक 110% आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि इन्हीं महीनों में जो है आरपीएफ जो है पिछले कुछ सालों में जो है अपना जो एप्लीकेशन होता है उसको रिलीज किया है। तो बहुत ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं कि आप लोग यहाँ पर मई से जुलाई के बीच में आपके यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि जुलाई से आप लोगों के आवेदन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अपने तैयारी करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि इस पेज की जो लिंक है, इस वेबसाइट की जो लिंक है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप डायरेक्ट आके यहाँ पर विजिट करके सारी जानकारी को आप ले सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अच्छा, एक चीज़ और छूट जा रही है यहाँ पर, आपकी एज जो है वो कब से काउंट की जाएगी। तो देखिए, जिस महीने में आपके आवेदन जो है स्टार्ट होंगे उसी के यहाँ पर 1 तारीख से आपकी जो है एज
काउंट की जाएगी। तो 1 जुलाई से संभवतः आप लोगों की एज जो है वो काउंट की जाएगी। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी। अपने सभी दोस्तों में वीडियो को जो है शेयर जरूर कर देना ताकि सभी तक पूरी जानकारी पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।